हो सकता है फैसला, और इस तरह का जब फैसला आया तो कहीं ना कहीं, देखिए हमारे साथ सांसद है इमरान, इमरान भाई इधर आइए, इमरान साहब है, क्या आप लोग इस तरह की उम्मीद कर रहे थे और लापरवाही हुई क्या पार्टी की तरफ से? सवाल दीपक जी कह रहे हैं कि तीन बार कोर्ट में गए राहुल गांधी, आप लोगों को लग नहीं रहा था कि इस तरह का फैसला आ सकता है? नहीं, इस समय आज खड़गे जी ने अपनी बातचीत में ये बात कही थी कि जिस तरह से राहुल गांधी जी को बार बार बुलाया जा रहा था, या जिस तरह से पूरा तंत्र इस समय राहुल गांधी जी के पीछे लगा हुआ है, तो राहुल गांधी जी, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी जी की आवाज को डराने की, दबाने की पूरी कोशिश हो रही। एक अकेला शख्स तानाशाही के खिलाफ खुल के लड़ रहा है, अडानी के मुद्दे पे सरकार को घेर रहा है, सरकार घिरी हुई है। ये भी तो सच है कि आपके पास वकीलों की लंबी फौज है, बड़े बड़े वकील आपकी पार्टी में है, चिदम्बरम से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक, क्या किसी को इस बात का आभास नहीं था कि इस तरह की चीजों में तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए थी? नहीं, अब ये एक तरह से न्यायिक पक्ष है और बेहतर तैयारी करने की बात अगर आती है, लेकिन अब जो फैसला आ गया है उस पर एक मिनट, दीपक चौरसिया जी लाइन पे हैं, सवाल करना चाहेंगे। हाँ, सवाल पूछिए सर। रवि 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 एक मिनट, इमरान को आप रोके रखिए, इमरान से सवाल आप ही करिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, चलिए इसको लापरवाही ना कहा जाए, ये ना कहा जाए, क्या स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा? और क्या कोई चीजों को, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपने सबसे बड़े नेता की इमेज जहां दांव पर लगी हुई है, उस केस को इतना लाइटली ले सकती है? आज का केस तो है नहीं ना है। बिल्कुल, क्या सवाल यही है दीपक जी पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग इस मामले की गंभीरता को समझ नहीं पाए? क्या आप लोगों ने इस मामले को लाइटली लिया? पॉलिटिकली मामला है, आज अगर उनकी सदस्यता जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लिए किरकिरी होगा, बड़ी बेइज्जती वाला मामला भी होगा कि एक बयान को लेकर जा रहा है, तो आप लोग तैयार नहीं थे, गंभीर नहीं थे, क्या वजह थी किस तरह की? दरअसल मीडिया अभी लोकतंत्र पे जो गहरा हमला है उसको नहीं समझ पा रही। आप ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी, हमसे ज्यादा मजबूती से लड़ कौन रहा इस वक्त सदन से लेकर के सड़क पर? राहुल गांधी जी कोर्ट की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल लड़ाई की बात नहीं हो रही, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हमने अपनी तरफ से पूरी लड़ाई लड़ी, वो कोर्ट में अपना पक्ष रखना हो या सदन में अपना, आप सदन में नहीं देख रहे जो राहुल गांधी जी के साथ किया जा रहा है, सारे उनकी उनकी आवाज को म्यूट कर देना, उनकी कही गई बात को एक्सपंज कर देना, दूसरे सदन में दूसरे सदस्य के खिलाफ आप कोई बात नहीं रख सकते, लेकिन वहां भी जिस तरह से राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, क्या ये आपने लोकतांत्रिक इतिहास में देखा है क्या? तो बहुत कुछ ऐसा घट रहा है इस देश में लोकतंत्र को कुचलने के लिए, जो इससे पहले कभी देश ने नहीं देखा था। नहीं, आप लोग जुडिशियरी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, कौन सा? हम तो सम्मान करते हुए कह रहे हैं। नहीं, खड़गे साहब ने कहा है कि कहीं ना कहीं जजेज को बदला गया है, जानबूझ के सारा कुछ, ये जांच का विषय है, अगर ऐसा हुआ है तो ये जांच का विषय है, फिर तो जांच का विषय है, हम फैसले का ठीक है। आखिरी सवाल रवि आपसे, सवाल आपने इमरान भाई से बात की बहुत अच्छा, लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, 2024 का चुनाव है और अभी ये सवाल आपसे एक रिपोर्टर से है, इमरान भाई ने अपनी बात कह दी, मैं सिर्फ एक रिपोर्टर के तौर पर, कांग्रेस बीट रिपोर्टर के तौर पर आपसे जानना चाहता हूँ कि 2024 अब जब राउंड द कॉर्नर है, बहुत कम वक्त बचा है, मेरे ख्याल से 315 दिन होंगे फाइनल पहले फेज की पोलिंग होए, तब तक मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसे में जब राहुल गांधी एक अपोजिशन यूनिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनकी इमेज पर इतना बड़ा डेंट, कांग्रेस उसको कैसे हैंडल कर पाएगी? क्या कोई गेम प्लान तैयार होगा? कांग्रेस सोचेगी इसके बारे में?